आज के टाइम में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर भरोसा करने वाले और भरोसा ना करने वाले दोनों तरह के लोग हैं। वैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं और वो हमेशा रहते हैं, और आई थिंक ये चीज़ भी हमेशा रहने वाली है। लेकिन मुझे बहुत हैरानी होती है जब मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ और वो लोग भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज के लिए आज भी लोग दुकानों में जाते हैं। तो आज मैं अपना कुछ ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो मेरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के बारे में है और कुछ सोल्यूशन आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। मेरा नाम डिजिटल गगन है और ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो आप देख रहे हैं। और अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, वैसे तो अभी मैंने शुरू किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ज़्यादातर यही इंडिया में यूज़ करते हैं, और मैं ये चारों एप्लीकेशंस को मेरे अपने मोबाइल में मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और इन चारों से मैं पेमेंट रिसीव करता हूँ। और ज़्यादातर जो मेरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो मैं एक ही यूपीआई प्लेटफॉर्म से करता हूँ। मैं फ़ोन पे जो प्लेटफॉर्म है फ़ोन पे उसे मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और फ़ोन पे का आई थिंक जो आगे जो पेमेंट उन्होंने यस बैंक के साथ कुछ किया हुआ है, और यस बैंक का हालत पीछे कुछ टाइम में थोड़ा ख़राब चल रहा था, अभी भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ ज़्यादा सहमत हूँ। मुझे इसका इंटरफेस काफ़ी पसंद है, और इसका जो हिस्ट्री है, या रिचार्ज करना हो, बिल पे करना हो, मनी ट्रांसफ़र करना हो, मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। हालांकि दो तीन बार मुझे पास्ट में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, बट ये प्रॉब्लम मुझे गूगल पे, अमेज़ॉन पे, पेटीएम इन सबके साथ आई है। ठीक है, तो इतना चलता है, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे फ़ोन पे सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए है कि मुझे उसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगता है, और उसकी कलर ग्रेडिंग भी अच्छी है, इसीलिए मैं शायद फ़ोन पे को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। कैशबैक के मामले में आई थिंक अमेज़ॉन पे पर सबसे ज़्यादा कैशबैक आते हैं जब भी मैं ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, लेकिन फ़ोन पे के साथ पता नहीं क्यों मैं शुरू से ही मुझे आदत पड़ चुकी है। मैं ज़्यादातर अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल और इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज, ठीक डीटीएच रिचार्ज हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल हो गए, या इसके अलावा जो भी मैं ई कॉमर्स वेबसाइट से, ऐप से कुछ भी शॉपिंग करता हूँ, तो मैं वहाँ पर भी फ़ोनपे की ही जो UPI ID मैंने रजिस्टर की है उसे ही यूज़ करता हूँ। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत शंका है कि आप ऐसा नहीं करना चाहते, और उसकी वजह यह है कि आपके अकाउंट में फ़ंड ज़्यादा हैं, ठीक है, या कोई फ्रॉड हो गया तो क्या होगा, आप उसके लिए किसी अलग बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑल्टरनेट समझ के आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और उसमें आप थोड़ा बहुत अमाउंट जैसे 5,000, 10,000, 20,000 रुपये डाल सकते हैं, और उससे आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने प्राइमरी अकाउंट को इसके साथ जोड़ना है, और आई थिंक ये जोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक, जैसे कि हमारे वॉलेट में ATM रहता है, तो ATM से पैसा जल्दी निकल जाता है, ठीक है, तो ATM से खर्चे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी मॉल में शॉपिंग करते हो, अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फील होता है, लेकिन जब आप डेबिट कार्ड से या ऑनलाइन पे करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा कम फील होता है। ये बात भी सच है, कहीं ना कहीं साइंटिफिकली मैं इस बात को मानता हूँ, ठीक, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हैं आप लोगों के लिए। और UPI मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें आप एक क्लिक में, मतलब जो भी आपने पिन नंबर या जो भी सेट किया होगा उसे दबाते ही आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके रिचार्ज हो जाएंगे मोबाइल, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हो, वाटर बिल पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो आप UPI की मदद से कर सकते हो, और UPI आज से नहीं, काफ़ी सालों से ये चल रहा है। ठीक, तो मैं आपकी भी राय इसमें जानना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या अमेज़ॉन पे या कोई और। ठीक, और मेरे हिसाब से ये अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाय द वे, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि आज भी लोग दुकानों में जाते हैं, मुझे शॉपकीपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फादर तो खुद एक शॉपकीपर हैं, लेकिन अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन करना सीखना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब भरा पड़ा है, अगर आपको कुछ भी पता करना है कि किस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी के बिल को किस तरीके से भरा जाता है, रिचार्ज किस तरीके से किया जाता है, आपको हर चीज़ के डेमो, हर चीज़ के ट्यूटोरियल यूट्यूब पे इजी मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। ठीक, सो मैंने तो काफ़ी सालों से डेबिट कार्ड को यूज़ करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, और डेबिट कार्ड को मैं सिर्फ कैश पेमेंट निकालने के लिए यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मेरे सारे काम मैं UPI से बहुत ही इजीली कर लेता हूँ।
हालांकि मेरे पास नेट बैंकिंग भी है, लेकिन नेट बैंकिंग को मैं सिर्फ तब यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई बड़ी पेमेंट ट्रांसफ़र करनी होती है। अदरवाइज़ मेरा सारा काम जो है वो यूपीआई से हो जाता है, ठीक। और यूपीआई से मैं पेमेंट रिसीव भी करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो के अंत तक पहुँच चुके हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।